नमस्कार, समृद्धि न्यूज में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। और हमेशा हम अपने न्यूज चैनल के माध्यम से प्रयास करते रहते हैं कि कुछ नया खबर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। लगातार सुर्खियों में था एक मामला, सोशल मीडिया पर भी लगातार वायरल हो रहा था। कई तरह की कयासें भी लग रही थी, आप लोगों ने देखा ही था कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही है, स्टार प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हें निश्चित तौर से कहीं ना कहीं टिकट देगी। लेकिन 10वीं लिस्ट भी जारी हो गई, पवन सिंह का कहीं से भी कोई नाम चर्चा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का तमाम पूरे देश भर में कहाँ कहाँ से चुनाव लड़ना है, तमाम कौन कौन प्रत्याशी होंगे, सब फाइनल हो गया। यहाँ तक कि आसनसोल का इंतजार था कि शायद आसनसोल में अभी तक किसी का नाम चर्चा नहीं हुआ है, तो पवन सिंह शायद आसनसोल से ही चुनाव लड़ेंगे, चूँकि पहले से चर्चा चल रही थी। लेकिन बात ही कुछ और हो गई। वहाँ पे भी जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वहाँ पे घोषणा कर दिया, तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि काराकाट से, बिहार के ही काराकाट से, वो काराकाट लोकसभा से वो चुनाव लड़ेंगे और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। आसनसोल से निश्चित तौर से लोगों का उम्मीद था, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि चलिए बीजेपी के द्वारा पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, आसनसोल से ही लड़ेंगे, चूँकि किसी का चर्चा नहीं हुआ था। लेकिन अब तो आसनसोल में पवन सिंह की जो चर्चा थी वो ख़त्म ही हो गई, चूँकि वहाँ पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषणा कर दिया। हालांकि बाबुल सुप्रियो बहुत एकदम पानी पीट के पड़ गए थे पवन सिंह पे, एकदम जितना भी होता था उनको कहाँ से क्या चीज़ ढूंढ के उनकी कमियाँ निकालना है, जबकि पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर बताया भी था कि मैंने तो बाबुल सुप्रियो के लिए प्रचार प्रसार में भी हम गए थे जब बीजेपी से वो कैंडिडेट थे वहाँ पे आसनसोल में, तो मैंने उनका प्रमोशन किया था, फिर भी वो हमारे साथ इस तरह क्यों कर रहे हैं अब कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि पवन सिंह लगातार सोशल मीडिया पर एक बात कहते आ रहे हैं कि हमने अपने समाज से, जनता जनार्दन से और माँ से वचन दिया है कि अब की बार 2024 लोकसभा का चुनाव हम जरूर लड़ेंगे, और उस वचन पर खड़े उतरते हुए पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी होने की घोषणा कर दी। हालांकि हम आपको बता दें कि काराकाट में NDA प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा है, और उपेंद्र कुशवाहा जबरदस्त तरीके से, उपेंद्र कुशवाहा का काराकाट लोकसभा भी है और काफ़ी जबरदस्त तैयारियों के साथ वो वहाँ पे उतरे हुए हैं। पिछली बार भी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे, वहाँ JDU के प्रत्याशी थे महाबली सिंह, वो वहाँ से जीते थे। लेकिन अभी तो गठबंधन की सरकार है, तो निश्चित तौर से NDA प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ पे चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब कितना टक्कर होगा, कितना बड़ा मुकाबला होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चा, तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। हालांकि एक बहुत बड़ा ये मैसेज जरूर है, चूँकि पवन सिंह काराकाट से, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी, जहां पे पवन सिंह स्टार प्रचारक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए हर जगह जा जाकर वोट कलेक्ट करने का काम किए, वहीं पर अब की बार आसनसोल से भी टिकट देकर, और पार्टी ने, क्या हुआ कि नहीं हुआ, आखिर क्यों ट्वीट किए पवन सिंह कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, कि पार्टी ने कहा कि आप वहाँ से चुनाव न लड़िए, क्या मामला था, ये तो अंदरूनी मामला है, तो वही लोग बताएंगे। लेकिन जिस तरह की कहानियाँ, हालांकि मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार सही उम्मीदवार का चयन नहीं किया, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, पार्टी के ही लोग कर रहे हैं, और पार्टी के लोगों में खलबली मची हुई है, हर जगह से निराशा है, चाहे वो बात कर लिया जाए बक्सर से, चाहे बात कर लिया जाए आरा से, चाहे बात कर लिया जाए काराकाट से, या कहीं से भी बात कीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बक्सर में भी आप देख ही रहे हैं IPS आनंद मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, और आपने आरा का तो खैर अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ है, हो सकता है यहाँ भी अभी समय है, कुछ भी हो सकता है। काराकाट से आपने देख ही लिया कि पवन सिंह ने NDA प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर देने के लिए इंडिपेंडेंट चुनाव, हालांकि बहुत जबरदस्त लड़ाई होगी, चूंकि पवन सिंह भारी पड़ेंगे उपेंद्र कुशवाहा पे, चूंकि जिस तरह वहाँ का सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पवन सिंह के पक्ष में लोग दिख रहे हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे, जहां से काराकाट सीट से जेडीयू उम्मीदवार महाबली सिंह ने जीत हासिल की थी, वहीं इस सीट से उपेंद्र कुशवाहा भी चुनावी मैदान में थे। जैसे मैंने पहले बताया, उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। महाबली सिंह को 3,98,408 वोट प्राप्त हुए थे, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 3,13,866 वोट प्राप्त हुए थे। 24,932 वोट सीपीआईएम के राजा राम सिंह तीसरे स्थान पर रहे, वहाँ जो माले नेता थे, 24,932 वोट उनको प्राप्त हुआ था। तो वहाँ पे एक शायद बसपा प्रत्याशी भी राज नारायण तिवारी थे, बसपा प्रत्याशी, 21,715 वोट उनको मिला था। हालांकि जिस तरह का वहाँ का जो समीकरण है, निश्चित तौर से कहीं ना कहीं पवन सिंह की तरफ इनका जो जीत को और सुनिश्चित कर देता है वहाँ का जातीय समीकरण। क्योंकि जिस तरह का जातीय समीकरण है, एक तो एक कलाकार है और इनके साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के और भी जो नेता है इंटरनल रूप से इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ हैं और उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग हजम नहीं करेंगे, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़िए, और तब जाके कहीं ना कहीं इस तरह का जो सूचना मिल रही है। जातीय समीकरण जिस तरह का कह रहा है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक यदि मतदाता की बात किया जाए तो यादव जाति के लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लगभग 3,00,000 से अधिक वोटर्स यादव जाति के, वहीं कुशवाहा और कुर्मी जाति के मतदाता लगभग 2,50,000 है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स करीब 1,50,000 है, लेकिन निर्णायक भूमिका में मुस्लिम वोटर्स ही रहते हैं। वैश्य जाति मतदाता भी लगभग 2,00,000 है, ब्राह्मण मतदाता की भी संख्या 75,000 है, इसके अलावा भूमिहार जाति के भी 50,000 करीब मतदाता है। राजा राम और उपेंद्र दोनों कुशवाहा जाति के ही हैं, तो कहीं ना कहीं राजा राम और उपेंद्र दोनों कुशवाहा जाति से है। अब की बार माले से राजा राम चुनाव लड़ रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा है जो NDA से लड़ रहे हैं, और एक तरफ आप देख ही रहे हैं कि एक जबरदस्त रूप में, एक जबरदस्त तैयारियों के साथ पवन सिंह काराकाट में दस्तखत दे दिए हैं कि नहीं, अब की बार माँ का आशीर्वाद है और माँ ने माँ से किया हुआ वादा को पूरा करना है, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और आप देख सकते हैं उन्होंने एकदम सोशल मीडिया पर ट्वीट करके और तमाम न्यूज खबरों में चल रहा है कि पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब लड़ाई कितनी टफ होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, क्या NDA प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा भारी पड़ेंगे या फिर पवन सिंह एक तरफा बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे, क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगा। और हमें जिस तरह का सर्वे बता रहा है, जातीय समीकरण बता रहा है, कहीं ना कहीं पवन सिंह के पक्ष में, चूँकि पवन सिंह के चुनाव के प्रचार प्रसार में निश्चित तौर से बहुत सारे फिल्मी सितारे जाएंगे ही, हो सकता है कि खेसारी लाल यादव भी जाए, दिनेश लाल यादव तो नहीं जा सकते हैं चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी का विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन और भी जो कलाकार हैं वो तो जाएंगे ही, और जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनका वोट पॉजिटिव होगा, और वोट पॉजिटिव होगा तो जीत की संभावना सुनिश्चित हो जाएगी। अब देखना है क्या होता है, लेकिन एक अलग उत्साह पवन सिंह के फैंस में, चूँकि पावर स्टार के रूप में जाने जाने वाले, भोजपुरिया किंग कहे जाने वाले पवन सिंह, जब काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा उन्होंने किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता जनार्दन से मैंने वादा किया है, अपने समाज से मैंने वादा किया है, माँ से हमने वादा किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे चुनाव लड़ना है, तो काराकाट लोकसभा से जबरदस्त तैयारियों के साथ पवन सिंह चुनाव मैदान में। अब समय बताएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है, किसके सर पे ताज लिखा है ये तो वक्त बताएगा, और जनता रूपी भगवान किसको अपना वहाँ का सांसद चुनती है ये तो समय बताएगा। तब तक लगातार हमारे खबरों के साथ बने रहिए, फिर कोई नया अपडेट होता है तो हम आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।